सो ऑलराइट, सो टॉपिक इज़ वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन बिजनेस. देखो, वैल्यूज़ एथिक्स दोनों सिमिलर से लगते हैं मीनिंग, बट इनका डिफरेंट है. तो वो डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होना चाहिए. वैल्यूज़ का मतलब किस चीज़ में आप बिलीफ रखते हो, ठीक है. एथिक्स का मतलब जो जनरली ही राइट या रॉन्ग में डिफरेंशिएशन होता है कि, है ना, ये चीज़ एथिकली राइट है या चीज़ एथिकली रॉन्ग है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ में बिलीफ रखती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं. ठीक है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग हो सकती हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है किसी और चीज़ में बिलीव करता हो, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन किसी और चीज़ में बिलीव करती होगी. सो वैल्यूज़ विल डिफ़र फ्रॉम फर्म टू फर्म या इवन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर हम जनरली वैल्यूज़ की बात करते हैं कि आप क्या चीज़ में बिलीव रखते हो, तो वो चीज़ डिफ़र करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एथिक्स का मतलब उल्टा है, मतलब ऑपोजिट नहीं, बट एथिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं कि, है ना, ये चीज़, ये प्रिंसिपल है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये प्रिंसिपल है ये चीज़ सही नहीं है, या ये चीज़ फेयर है ये चीज़ फेयर नहीं है. बेसिकली कोई भी एक जनरली एक सोसाइटी में सिमिलर होते हैं कि, है ना, क्योंकि वो उस सोसाइटी, बस उस चीज़ का वो प्रिंसिपल है उस सोसाइटी का. अब वो क्या चीज़ें बेसिकली मैटर करती है वहाँ पे, सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन, ये तीन जो हैं चीज़ें, इनके बेसिस पे जो एथिक्स है वो एक शेप लेती है कि हाँ ये चीज़ राइट रे रॉन्ग जो है बेस्ड ऑन रिलीजन है, कि इस रिलीजन में इस चीज़ को सही मानते हैं, इस रिलीजन में इस चीज़ को गलत मानते हैं. सो कल्चर में कि हाँ हमारे कल्चर में ऐसा होता है या हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है. सोसाइटी में कि हाँ हमारी सोसाइटी इस चीज़ में इस चीज़ को सही नहीं मानती, लेकिन यहाँ हमारी सोसाइटी इस चीज़ को सही मानती है. सो बेसिकली समझ रहे हो कि राइट और रॉन्ग का डिस्टिंक्शन जो बेस्ड ऑन सोसाइटी, कल्चर या रिलीजन होता है, शेप, दैट इज़ एथिक्स. तो वैल्यूज़ में नॉर्मल वैल्यूज़ पता लग गया. अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़. ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ का मतलब वही बिलीव्स जब हम मैनेजमेंट के डिसीजंस और एक्शंस पे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, मतलब कि कोई मैनेजमेंट है उसका क्या डिसीजन है या वो क्या एक्शंस उसके होंगे, वो किस, मतलब अगर मैं मैनेजमेंट हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं जो अपने एक्शंस ले रहा हूँ या कुछ भी डिसीजंस ले रहा हूँ, मैं कुछ अपने बिलीव्स के बेसिस पर ही वो डिसीजंस ले रहा हूँ. बेसिकली मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल की वैल्यूज़ पर वो डिसीजंस ले रहा हूँ. यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ का मतलब वो बिलीव्स जो कि एक मैनेजमेंट को हेल्प करती है उसके डिसीजंस या एक्शंस को लेने में. ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे यहाँ लिखा ना, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, क्वालिटी, इनोवेशन, टीम वर्क, लीडरशिप. ये सब वैल्यूज़ जो हैं कि हाँ इस चीज़ पे बिलीफ है और इनके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू ये बोलती है या हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू वो बोलती है. सो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, वही वैल्यूज़ का अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको लगा दिया, यानी कि मैनेजमेंट बिलीफ किस चीज़ में कर रही है जो कि हेल्प करेगी उसका डिसीजंस और एक्शंस में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू. अब एथिक्स में भी जैसे मैंने बताया, इसमें आ जाओ, एथिक्स में बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, वही एथिक्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, राइट और रॉन्ग की, वही अगर बिजनेस में लगा दिया जाए कि बिजनेस में क्या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हाँ अगर आप ये मीट कर रहे हो स्टैंडर्ड्स तो आप सही जा रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आप गलत जा रहे हो. सो यानी कि वो प्रिंसिपल्स जो कि एक बिजनेस को बताते हैं कि बिजनेस में क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट एंड क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ रॉन्ग. ठीक है, यानी कि हाउ टू कंडक्ट बिजनेस, उसकी एक गाइड होती है ये कि बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए, नहीं कर रहे हो तो आप गलत हो, समझ लो. देन अब ये प्रिंसिपल्स, यहाँ एक वो होगा कि ये देखो, फेयरनेस टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस. यहाँ पे इंश्योर आपको ये करना होता है कि आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं किसी भी फॉर्म में, कोई भी अगर इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आप उसको बोलते हो ये मेरी बिजनेस का स्टेक होल्डर है, यानी मैं बिजनेस में जो डिसीजंस ले रहा हूँ या मेरे बिजनेस का अच्छा या बुरा होना उस पे इम्पैक्ट डालता है या उसको, उससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से फ़र्क पड़ता है. तो जिस जिस को भी फ़र्क पड़ता है दैट इज़ द स्टेक होल्डर ऑफ दैट बिजनेस. ठीक है, अब एक चीज़ आती है फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की. बिजनेस एथिक्स की जब बात करो, मैंने बताया क्या चीज़ राइट और रॉन्ग है, तो उसमें क्या क्या लिखोगे तुम, कोड ऑफ कंडक्ट, सेल्फ डिफाइंड, सेल्फ इम्पोज्ड, यानी कि कोई आपको आके बताता नहीं है, इट्स जस्ट लाइक इंटरनली ही वो होता है कि ये है, ये चीज़ है. जैसे बिलीफ तो वो था ना कि वैल्यूज़ में आप जब बात करते हो वो आपकी पर्सनल वो होती है कि आप बताते हो कि हाँ ये वैल्यू है. एथिक्स तो सेल्फ डिफाइंड होते हैं कि पता है कि हाँ ये चीज़ सही है कर रहे हो या ये चीज़ सही नहीं है, वो जनरली सबको पता होती है. सेल्फ इम्पोज यानी अपने आप पे ही खुद ही, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसे इम्पोज करनी है.
डायनामिक क्योंकि अगेन एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, ब्रॉडर देन द स्कोप ऑफ लॉ। लॉ जो है ना वो सिर्फ लीगली बताता है कि लीगली क्या सही या गलत है। बिजनेस एथिक्स में जब बात करते हैं तो एथिक्स मॉरली और एथिकली भी बताता है कि ये चीज़ सही है गलत है। मतलब लॉ सिर्फ लीगल लैंग्वेज में कि ये चीज़ नहीं करोगे तो केस हो जाएगा, सिविल या क्रिमिनल जो भी, बट वो सिर्फ लीगल टर्म्स में बताएगा। एथिक्स जनरली लीगल से ब्रॉडर है क्योंकि उसमें मॉरली भी आ जाता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वेलफेयर ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये तो मैंने अभी बताया कि जो भी आप बिजनेस एथिक्स ले रहे हो वो स्टेक होल्डर्स की भलाई के लिए ले रहे हो, है ना, कि स्टेक होल्डर्स क्योंकि उनको इम्पैक्ट आता है। देन यूनिवर्सल रेलिवेंस, जैसे मैंने बोला ये चीज़ ये नहीं है कि आपकी पर्सनल है, ये हर जगह यूनिवर्सली ये रेलिवेंट है कि ये चीज़ सही होती है ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला स्टेक होल्डर्स के लिए होते हैं बिजनेस एथिक्स, तो ये उसका वो आ गया आपका एक्सप्लेनेशन कि बिजनेस एथिक्स फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स। कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और सोसाइटी या गवर्नमेंट या एनवायरनमेंट कुछ भी। तो ये चार स्टेक होल्डर्स के लिए क्या क्या बिजनेस एथिक्स हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ठीक है, जैसे कस्टमर्स के लिए एथिक्स क्या है कि आप एथिकल तब होगे जब आप फेयर प्राइस पे चार्ज कर रहे होगे, है ना, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो, गंदी क्वालिटी के नहीं दे रहे, फॉल्स क्लेम्स नहीं कर रहे, है ना। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो इसका ऑपोजिट पता है कि गलत है। जैसे फेयर प्राइस अगर आप नहीं दे रहे हो तो यू आर रॉन्ग, वो कोई आपका पर्सनल बिलीफ वाली वैल्यूज़ वाली चीज़ नहीं है, ये एथिक्स हैं कि फेयर प्राइस करना ही चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने ही चाहिए, फॉल्स क्लेम्स नहीं करने चाहिए। सो दिस इज़ लाइक, जैसे बोला ना, कोड ऑफ कंडक्ट है, सेल्फ डिफाइंड है, सेल्फ इम्पोज्ड है। सो दिस इज़ फॉर कस्टमर्स, क्या क्या एथिक्स आप फॉलो करोगे। एम्प्लॉयज़ के लिए फेयर कंपनसेशन दो, है ना, जितनी सैलरी डिजर्व करता है उतनी दो। सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो है सेफ एन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। शेयर होल्डर्स, ट्रांसपेरेंसी की आप जो कर रहे हो वो उन्हें पता होना चाहिए, है ना, कुछ हिडन कुछ एजेंडाज नहीं है आपके। इनसाइडर ट्रेनिंग, ये 12th में किया ही था, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होते हैं। नो इनजस्टिस फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स, छोटे शेयर होल्डर्स के साथ ऐसे नहीं करना कि हाँ आप जो डिसीजंस ले रहे हो वो बड़े शेयर होल्डर्स के बहकावे में या इन्फ्लुएंस में आके या उनके उनसे मैनिपुलेट होके डिसीजंस ले रहे हो। स्मॉल शेयर होल्डर्स भी शेयर होल्डर्स हैं तो उनके साथ इनजस्टिस नहीं करना। ठीक है, देन सोसाइटी या गवर्नमेंट या एनवायरनमेंट, इनके लिए क्या कि कोई अनएथिकल या अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करनी। ठीक है, कोई टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए हो गया ये, है ना, ये एथिकल लॉफुल एक्टिविटी, ये सोसाइटी के लिए हो गया। सस्टेनेबिलिटी या इको फ्रेंडली, है ना, कि आप एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान दो क्योंकि आप एनवायरनमेंट से फ़ायदा ले रहे हो, तो एनवायरनमेंट को भी, जैसे अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो उनके रिसोर्सेज एनवायरनमेंट के, तो यू हैव टू गिव बैक टू द एनवायरनमेंट। एंड ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे थी कि आपको इंश्योर करना है कि आप एनवायरनमेंट को उसी स्टेट में या उससे बेटर स्टेट में रख रहे हो जिस स्टेट में आपने उसे यूज़ किया था, उनसे रिसोर्सेज लिए थे। सो ये वाला हो गया आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो सोसाइटी, गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट, ये वाले हो गए। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स के लिए जो जो एथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये आपका बिजनेस एथिक्स हो गया। एक लास्ट टॉपिक इसमें आता है, फैक्टर्स रीशेपिंग द बिजनेस एथिक्स, इसके बाद भी वैसे आएगा, नीड भी हम करेंगे। सो फैक्टर्स रीशेपिंग बिजनेस एथिक्स में क्या होगा कि क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला रिलीजन इम्पैक्ट करता है, ठीक है, कल्चर इम्पैक्ट करता है, लॉज लीगली ये तो करेगा ही, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के आपका ये गोल है तो फिर आप एथिक्स उस हिसाब से चलाओगे। टॉप मैनेजमेंट की वैल्यूज़, ये टॉप मैनेजमेंट किस चीज़ में बिलीव करता है वो भी इम्पैक्ट। जैसे टॉप मैनेजमेंट बिलीव ही नहीं करता कि हमें कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने चाहिए या बेस्ट क्वालिटी के देने चाहिए। टॉप मैनेजमेंट बिलीव करता है कि नॉर्मल एवरेज क्वालिटी के भी दे दो तो भी चलता है क्योंकि हम प्राइस कम पे दे रहे हैं। मतलब बेसिकली एक वो एग्जाम्पल है कि टॉप मैनेजमेंट की बिलीफ विल इफेक्ट कि कितने बिजनेस एथिक्स फॉलो हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग की जनरली सोसाइटी में राइट एंड रॉन्ग माना किसको जाता है किसको नहीं माना जाता है। जैसे हो सकता है इंडिया में किसी चीज़ को गलत माना जाता हो जो फॉरेन में ना माना जाता हो, तो वहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी कि आपके जहाँ रहते हो वहाँ के इंस्टीट्यूशन क्या है जो राइट और रॉन्ग का है डिस्टिंक्शन। सो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो शेप करते हैं बिजनेस एथिक्स को कि आप किस एक्सटेंट तक या कि फॉलो कर भी रहे हो नहीं बिजनेस एथिक्स को, राइट। देन नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड इन बिजनेस, क्यों फॉलो कर रहे हैं एथिक्स और नीड, ये वैल्यूज़ और एथिक्स की क्यों हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, आप अगर अनफेयर प्राइस लगा के या पार्शियलिटी करके जो भी है थोड़े टाइम के लिए ग्रो कर जाओगे, लेकिन लॉन्ग रन में ग्रो तभी कर पाओगे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चीज़ में स्टेबल है कि आप एथिक्स फॉलो करते हो, है ना। जैसे फर्क पता लग जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल एथिकल सी नहीं है
फ्रॉड सी स्कैम सी कोई है, तो कब तक आप स्कैम कर लोगे? एक टाइम के बाद लोग आएंगे ही नहीं आपके पास कि पता है यार ये तो फ्रॉड है तो इनसे लेना ही नहीं है, राइट? सो इमेज या ब्रांड वैल्यू, जैसे कोई बिजनेस अगर नहीं किसी टाइम फॉलो करता तो बहुत उसका सोशल मीडिया पे या और जगह पे न्यूज़पेपर्स पे जो पब्लिसिटी है वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है ना, कि इसने ये कोई ख़राब काम कर दिया। सो आपकी इमेज, आपकी ब्रांड वैल्यू आपके हाथ में है कि आप कितने एथिकल है ना चीज़ों को फॉलो करते हो। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखेंगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी समझ में आता है कि वो आप कितने एथिक्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो अगर आप एथिकल चीज़ें नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज़ को लगेगा यार ये तो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे साथ भी कर सकते हैं, क्यों काम कर रहे हैं, है ना? तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ तब होंगे जब पता है यार ये बिल्कुल फेयर काम करते हैं हर एक के साथ, तो हम भी फिर यू नो काम वैसे ही करेंगे क्योंकि ये हमारे को फेयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि ये सबके साथ फेयर है, ठीक है? तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, शेयर होल्डर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी कंपनी में तभी आएगा ना जब आप एक्चुअल में वैल्यूज़ और एथिक्स वाली कंपनी होगी। फ्रॉड वाली कंपनी होगी, इन्वेस्टर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में, राइट? हाँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये तो मैंने बोला है कि जैसे फेयर प्राइजेज वगैरह हैं, वो अगर आप नहीं दे रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हो, तो कैसे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन से? नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट से सर्विसेज ही बताएंगे ना कि कोई कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपकी कंपनी से। नेक्स्ट आता है अट्रैक्ट्स बेटर एम्प्लॉयज़। देखो क्राउड का बहुत फ़र्क हो जाता है ना, कि बहुत एथिकल सी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्राउड ही अलग होगा, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो दे चोज अ कंपनी विच इज़ एथिकल, समझ रहे हो? सो वो फ़र्क रहता ही रहता है, दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी जो कि एथिक्स और वैल्यूज़ में बहुत स्ट्रांग है, मॉरली बहुत यू नो बैक्ड अप है, देन द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो विल बी बेटर बेटर एट स्किल्स, बेटर इन देयर ओन, वो कि यू नो वो खुद भी मॉरली हाई होंगे अगर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो कि वैल्यूज़ और एथिक्स में हाई है मॉरली। सो दैट इज़ हाउ यू नो वैल्यूज़ और एथिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ इट विल मेक श्योर दैट एम्प्लॉयज़ जो आपका क्राउड आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो भी फिर वैसा ही, राइट? सो दिस वॉज टॉपिक ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन बिजनेस। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे दैट इज़ होलिस्टिक पर्पज़ एंड मेजर्स ऑफ फर्म परफॉर्मेंस, ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट उसमें करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।